Hi everyone, this is Kiran Ayub and welcome or welcome back to my YouTube channel. So, आज की वीडियो में I am going to share my review of Snail Trusica Magical Repair Kit. So, I have been using this kit for 7 days. मैंने इसके बारे में बहुत ज्यादा सुना था. I thought why not trying this and share my review. और एक्चुअल में क्या ये ऐसा है कि स्किन को रिपेयर करता है और आपकी स्किन जो है वो बहुत अच्छी और ग्लोई हो जाती है. So, we will talk about everything today. So, let's get started. This is how the packaging of this kit looks like. और इस पे लिखा है Snail Trusica Miracle Repair Starter Kit. And it is a 4-step kit. So basically, मैं इसे अपनी night care routine के तौर पे इस्तेमाल करती हूँ. I'm using this every night from last 7 days. Now, अभी let me show you कि kit अंदर से कैसी है. When you open the packaging, तो इस तरह से है ये. This is how the packaging looks like. So the first step is cleanser. The second step is toner. The third step is the serum. And the last step is the cream. And also you get this inside. सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमने इस किट को इस्तेमाल किस तरह से करना है. So the first step is cleanser. So this is how the packaging of cleanser looks like. I don't use this in the morning as well. Morning में मैं अपना different face wash use करती हूँ, but at night I use this one. जैसे आप अपने face wash को use करते हैं, cleanser को use करते हैं, just उसी तरह आपने अपने face पे 1 minute के लिए massage करने के बाद आपने अपने face को wash कर लेना है. So the second step is toner. So toner आपने किस तरह से लगाना है? इस तरह से. This is how the packaging of the toner is. Simply bottle है और इसकी जो consistency है वो भी आप लोग देख रहे होंगे. And the consistency is so watery. बहुत ही बिल्कुल पानी की तरह इसकी consistency है. बहुत ही ज़्यादा liquid है. One thing that I did not like कि इसकी जो bottle है वो pump वाली होनी चाहिए थी ताकि easy हो जाए आपके लिए toner को लगाना. But you can see कि मैं किस तरह से toner को लगाती हूँ ताकि वो नीचे ना गिर जाए. Even if you apply this on your hand, अगर आप अपने हाथ पे भी रखते हैं तो वो नीचे को इतना वो liquid है कि वो नीचे गिर जाता है. या तो अपने palm पे लेके आप लगा सकते हैं, बट वट आई डू इज मैं डायरेक्टली अपने फेस पर नीचे हाथ रख के लगा लेती हूँ, जिसे बहुत अच्छे से लग जाता है. एंड आपको अपने फेस को रब नहीं करना, जस्ट आपने हल्का सा टैप टैप करना है और अपने फेस पे इसको लगाने के बाद आपने 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देना है. When your face is completely dry, आपको ऐसा लगे कि आप फेस जो है वो स्टिकी नहीं लग रहा, तो उसके बाद आपने अपने थर्ड स्टेप को स्टार्ट करना है. Okay, the next step is serum. So this is how the packaging of the serum looks like. And it's plastic ki bottle mein inhone serum dala hua hai. And you guys can see the consistency of this. Iski consistency bahut hi zyada thick hai. And agar aap 2-3 dafa pump kare to phir aapke इसके अंदर आता है. अदरवाइज आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है इसको निकालने के लिए, बिकॉज कंसिस्टेंसी इसकी बहुत ही थिक है. सो व्हेन यू हैव टू अप्लाई दिस, तो आप अपनी फिंगर्स पे कुछ ड्रॉप्स ले लें या डायरेक्ट अपनी स्किन पर उसके कुछ ड्रॉप्स डाल लें. मैं अपनी फिंगर्स पे ले रही हूँ और उसके बाद आपने इसको हल्का सा मिक्स करना है और अपने चेहरे पर टैप टैप करके लगा लेना है. अगेन आपने अपने फेस को रब नहीं करना इसके साथ, जस्ट हल्का सा टैप टैप करके एंड दैट्स ऑल. और उसके बाद आपने इसको 1 या 2 मिनट के लिए छोड़ देना है. अगेन व्हेन योर फेस इज ड्राई, जब आपको फील हो कि अभी ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो चुका है फेस के अंदर, तो फिर आपने अपना फोर्थ वाला स्टेप करना है, दैट इज क्रीम. So this is how the packaging of cream looks like. So cream आपने किस तरह से use करनी है? So सबसे पहले इसकी consistency देख लेते हैं. This is how the consistency of this cream looks like. थोड़ी सी liquid है. So आपने इसको अपने हाथ पे जो है वो अच्छे से ले लेना है और उसके बाद आपने इसको अपने चेहरे पर इसको अच्छे से लगा लेना है. सो नाउ यस, दिस इज हाउ यू हैव टू अप्लाई द क्रीम. नाउ लेट्स टॉक अबाउट, डज दिस स्किन केयर रूटीन, डज दिस किट रियली वर्क्स लाइक अ मैजिक और नॉट.
As I said, I'm using this for 7 days, and the first thing that I love about this kit is कि इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही ज़्यादा फ्रेश है. जो इसकी फ्रेग्रेंस है इट्स लाइक फ्रेश ऑरेंजेस. और आपको अपने फेस पर जब आप ये पूरी रूटीन करते हो तो आपको एक बहुत ही फ्रेश फ्रेश फील होता है और आपकी स्किन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ग्लो कर रही होती है. सो मैंने इसको अभी 7 डेज तक यूज़ किया है एंड द रिजल्ट्स आर टू गुड. इसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं. जितने भी आपके स्किन के प्रॉब्लम्स होते हैं, पोर्स, पिम्पल्स, एक्नी मार्क्स, ये उस सबको रिमूव करने में मदद करता है. एंड आई हैव विटनेस दैट व्हेन आई स्टार्टेड दिस, जो तो मेरी स्किन पर जो है वो कुछ एक्नी मार्क्स थे, एंड आफ्टर 7 डेज आई कैन सी अ लॉट ऑफ चेंज. मैं अपनी स्किन में बहुत ज़्यादा चेंज देख सकती हूँ. मेरी स्किन पर बिल्कुल भी एक्नी मार्क्स नहीं है एंड आई हैव यूज्ड ओनली फॉर 7 डेज. मैंने जस्ट अभी 7 दिन तक इस्तेमाल किया है. व्हेन आई वाज बाइंग दिस तो वहां पे इंस्ट्रक्शंस लिखी थी कि आपने इसे 30 डेज तक यूज करना है, बट इसकी पैकेजिंग देख के मुझे पता चल गया था ये 30 डेज तक नहीं चलने वाला, क्योंकि अमाउंट थोड़ी सी कम है चीजों की, स्पेशली इनके सिरम की अमाउंट बहुत कम है. बट आई मस्ट से कि इसके रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं एंड आई जस्ट लव दिस. बिफोर दैट मेरी स्किन केयर रूटीन बिल्कुल डिफरेंट थी. आई एम श्योर कि आप लोगों ने देखी होगी किसी ना किसी वीडियो में, माई स्किन केयर रूटीन वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट. बट I have started this and trust me, I'm not regretting कि मैंने इसको start किया है. मेरी skin में actual बहुत major differences आ रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा है that is the acne marks. Acne marks बहुत अच्छे हो गए हैं and I was very happy to see this कि जितना इसके बारे में सुना है actual work कर रहा है. Because बहुत सी products होती हैं, बहुत सी kits होती हैं कि हम उनके बारे में इतना सुन रहे होते हैं, हम इतना spend भी कर देते हैं, but जब हम उनको use करते हैं तो वो आपको सूट नहीं करती. इट इज़ अ वेरी गुड किट और वर्थ बाइंग है. माई स्किन इज कॉम्बिनेशन स्किन, तो मुझे तो बहुत सूट किया है एंड आई रियली होप कि अगर आप इसको बाय करें तो ये आपको भी उतनी ही सूट करे. इफ़ यू गाइज आर फॉलोइंग मी देन यू नो मी कि मैं पहले टेस्ट करती हूँ एंड इफ़ आई डोंट लाइक द प्रोडक्ट इट डज़ नॉट मैटर कि कितनी एक्सपेंसिव है या क्या ब्रांड है, अगर नहीं अच्छी तो नहीं अच्छी और अगर अच्छी है तो अच्छी है. सो आई कैन से कि दिस इज डेफिनेटली वर्थ बाइंग. आई एम गोइंग टू ऑर्डर मोर फॉर श्योर, क्योंकि अभी मुझे 7 दिन से ज़्यादा हो गए हैं और इसका सिरम जो है जिसकी पैकेजिंग बहुत ही छोटी है ना, वो काफ़ी हद तक खत्म हो चुका है. सो आई विल डेफिनेटली बाय मोर. इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई विल सी यू ऑल वेरी सून विद अनदर वीडियो. टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड स्टे हेल्दी.